दोनों जो मैंने आपके लिए टारगेट दिया था, मार्केट ने दोनों टारगेट में आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखाई पड़ा है। अब फर्दर देखते हैं जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है उस बेस में मार्केट को क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे उसमें ट्रेडिंग अभी बची हुई है आने वाले टाइम फ्रेम में। तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको रेगुलर बेसिस एनालिसिस मिलती रहती है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड्स आपको मिल जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए एक चार्ट पोस्ट किया था जिसमें मैंने बोला है कि 72,800 के ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 600 के नीचे हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम देखते हैं मैंने इसको पोस्ट क्यों किया था। अगर उस मैंने इसको पोस्ट क्यों किया था, अगर आप इसको देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ने हाई और लो का जब फॉर्मेशन किया है, तो मार्केट ने हाई और लो का जो फॉर्मेशन किया, अगर यहाँ देखते हैं तो हमारा जो मार्केट की कल की क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं था। इसके बाद में मैंने आपके लिए रेंज दिया था कि मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल 600 का रहेगा, उसके बाद में 800 का रहेगा, उसके बाद में 73,000 का रहेगा। तो मार्केट 600 पे गया फर्स्ट टाइम, उसके बाद में थ्रू आउट नीचे आया, नीचे आया तो पहला सपोर्ट हमारा था 72,400, उसके बाद दूसरा सपोर्ट हमारा था 72,200। 200-200 पॉइंट पे मैंने क्लियर कट आपको बोला हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मॉर्निंग की वीडियो देख सकते हैं, उसमें जैसा किया था मार्केट वैसा ही परफॉर्म किया। तो आपको उस बेस से अपनी जो लर्निंग है उसके लिए आपको काम करना होता है और देखना होता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस उसमें होने वाली है। फर्दर अभी आप यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसमें क्या सेंटीमेंट बन रहा है। अगर हम उसको देख लेते हैं तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट क्यों किया, अगर इसको आप देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो 800 का लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो उसी के आसपास 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट अप एंड डाउन करता है मार्केट। अब दोबारा से मार्केट वन टाइम यहाँ बहुत अच्छी रैली लेके गया लेकिन 800 के लेवल को तोड़ नहीं पाया, इसका मतलब थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर हो गई है। यहाँ से नीचे आया तो थ्रू आउट 800 से 600 पॉइंट नीचे जाके फिर यहाँ से रिकवर कर गया, मतलब 200 पॉइंट इसका लो हो गया और 800 का हाई हो गया। इसी बीच में मार्केट यहाँ पे घूमा है 600 पॉइंट के अंडर में। अभी यहाँ पे दूसरी कैंडल बनी है, इसकी अगर नीचे निकलती है 600 के नीचे तो मैंने आपको सेल साइड के लिए दिया है। तो इसके लिए फर्स्ट इसके लिए जो सपोर्ट जोन है ये लगभग 200 पॉइंट का लेवल है, इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाली है 600 से लेकर 400 तक। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मार्केट में जो आपको छोटे मोटे प्रॉफिट मिल रहे हैं वो एज ए रिवार्ड आप लेते जाइए। अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो भी एज ए रिवार्ड उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा सा टफ होता है। अगर यहाँ आप थोड़े अमाउंट भी बना ले जा रहे हैं तो आप परसेंटेज के टर्म में देखिए आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग करना यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो सब प्रॉफिट बनाते हैं। जब मार्केट एक रेंज में फंसता है उस टाइम में हमें ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं और उसको आप देखते हैं तो लर्निंग भी अच्छी होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ऊपर जाके जब 600 के नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ से रिकवर कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बाई भी करते हैं तो 600 पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारा 800 का रहेगा, 200 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे और टारगेट पहला हमारा 400 का रहने वाला है यहाँ पे कि 200 पॉइंट मिलेगा। तो इसके नीचे निकलने पे आपको ज़्यादा बड़ा मूव दे सकता है लेकिन इससे ज़्यादा का इसमें एक्सपेक्टेशन अभी मत रखना, क्योंकि मार्केट जब भी इसके पास आया है ऊपर निकला है, अब दोबारा से ये इसके नीचे आएगा तो हो सकता है 200 तक आए, उसके बाद 72,000 ऑलरेडी अच्छा लेवल बना हुआ है जो कि मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इन सब लेवल्स को आपको देख के ही ट्रेडिंग प्लान करना है। 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं फ्रेंड्स सेंटीमेंट्स क्या नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ अगर 4 आवर सेटअप में अगर आप देख रहे हैं तो ये स्पिन टाइप का भी करंट कैंडल घूम रही है। उससे पहले अगर आप देखते हैं दोनों कैंडल का लोअर लो का फॉर्मेशन है, उससे प्रीवियस कैंडल का मिलाते चलते बहुत अच्छा लोअर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके लिए ब्लैक लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो अगर ब्लैक लाइन से नीचे निकलता है जो कि है 72,553 का लेवल, अगर इससे नीचे निकलता है तो इसमें अच्छे मूव आपके लिए डाउन साइड के दोबारा देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी के लिए आपका स्टॉप लॉस भी फिक्स होना चाहिए और सेल साइड के लिए स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। 800 के ऊपर जब आप अगर बाइंग करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका लगभग 650 के अराउंड में बनता हुआ दिखा, 150 पॉइंट का है डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पे सेल साइड में आप बने हुए हैं तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे मैक्सिमम 200 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखना, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिल सकती है। और आप बे ट्रेंड वॉच कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में था डाउन ट्रेंड में, उसके बाद में थोड़ा रिवर्स कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये अभी 4 आवर सेटअप का एनालिसिस है। उसके बाद में हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम का।
डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी स्पिनिंग कैंडल बन रही है। अगर इसकी क्लोजिंग इसी बेस पे होती तो जो फॉलो अप आएगा कल मॉर्निंग के टाइम पे, जो मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट को, बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है ये, लेकिन क्लोजिंग हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल एनालिसिस है।